हेलो दोस्तों, द गैजेट 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियलमी C25 और C25S के लिए एक अपडेट आया है, ईयरली एक्सेस अपडेट। वैसे बोला जाए तो बीटा अपडेट आप इसे बोल सकते हैं। बीटा अपडेट आया है जिसे आप इंस्टॉल करके आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल से उस बीटा वर्ज़न से प्रीवियस स्टेबल वर्ज़न में भी जा सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड्रॉयड 12 एक फीचर देता है जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 12 से आप एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 10 में जा सकते हो। यह एंड्रॉयड 12 का फीचर है। तो उससे पहले मैं एक थोड़ा आपको रिव्यू दे देता हूँ जो अभी ये वर्ज़न आया है। ये वर्ज़न में कोई वैसे मेजर बग नहीं है, एक्चुअली में देखा जाए तो कोई बग है ही नहीं इसमें, पर स्टेबल नहीं है ये वर्ज़न। स्टेबल मीन्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी काम करती है कभी नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेजर ऐसा इश्यू नहीं है। मान लो अगर मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और किसी डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ तो नॉर्मली ऑडियो डिवाइस या हेडफोन को ऑन करो तो स्टेटस बार में एक इंडिकेशन होता है कि उस ऑडियो हेडफोन मतलब ऑडियो डिवाइस से हेडफोन का बैटरी कितना बचा है उस ऑडियो डिवाइस का, तो वो कभी शो होता है कभी नहीं होता। खैर ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, स्टेबल तो नहीं है क्योंकि ये बीटा वर्जन है, मतलब ईयरली एक्सेस बोला गया है इसमें। रियलमी इसे ईयरली एक्सेस बोलता है। अब हम इस अपडेट का थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें आपको एक जो साइड पैनल मिलता है वो अब उसके ऐप लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इसमें अब आप 20 ऐप आप इसमें रख सकते हैं, और इसमें आपको एक फ्लेक्सिबल विंडो और क्विक रिटर्न विंडो भी मिलता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा। मैं मोबाइल को फ़िलहाल साइलेंट में रखता हूँ। ओके, अब देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि स्पेशल फीचर में जैसे जाओगे तो फ्लेक्सिबल विंडो और क्विक रिटर्न, फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार, ये जो मैंने अभी दिखाया, किड्स स्पेस और सिंपल मोड, ये तो पहले भी था। फ्लेक्सिबल विंडो मीन्स आप इसे देख सकते हैं, इसमें एग्जांपल बता रहा है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये टेस्टिंग पर्पज़ पे है तो बहुत ज़्यादा ऐप वैसे नहीं है जो इस पर इस हिसाब से चलते हों, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लेक्सिबल विंडो, जैसे मैंने टाइमर लगा के मैं बैक चला गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा विंडो आपको टाइमर का शो हो रहा होगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगा। और पिन टू टॉप इस तरीके से आप अपने उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ लाइन से आते जाएंगे कंटिन्यू, जिस ऐप को आपने इसमें फ्लेक्सिबल विंडो में रखा है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, इतना यूज़फुल तो मुझे नहीं लगा, पर है रियलमी से दे रहा है तो ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी ये फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ क्लॉक को ही सपोर्ट करता है, बाकी किसी ऐप को ये सपोर्ट नहीं कर पाता। ये मतलब टेस्टिंग पर्पज़ पे अभी फ़िलहाल रियलमी ने दे दिया है। और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। और वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ, कनेक्शन शेयरिंग, पर्सनलाइजेशन, इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाएंगे। इसमें आपको आइकन का शेप और आइकन के कलर के लिए कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। साथ ही इसमें आपके वॉलपेपर के हिसाब से क्या सेटिंग होना चाहिए, आइकन कलर और क्विक सेटिंग और वगैरह वगैरह कुछ चीज़ों का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह मतलब अपने थीम को आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये तो मतलब थीम की बात हो गई।
अब इसमें देखते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेम है बिल्कुल, सेफ्टी एंड फीचर। बैटरी का इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, जो लास्ट में परसेंटेज शो कर रहा है। वैसे इसके लिए आपको स्टेटस बार में जाके आपको सेट करना पड़ेगा। स्टेटस बार यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले ये ऑप्शन रियलमी में था नहीं एक्चुअली में। अब यहाँ पर स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज तो खैर दिखा रहा है कि अभी बैटरी 8% है। बैटरी में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल परसेंटेज को ये ऑन में रखा है। और इसमें कुछ खास वैसे बहुत मेजर बड़ा चीज़ तो नहीं है। और देख लेते हैं बैटरी ऐप स्पेशल फीचर, डिजिटल वेलबिंग भी काफ़ी अच्छा खासा अपग्रेड हो गया है। इसमें एक एंड्रॉयड 12 का एक फीचर ऐड किया गया है कि माइक एक्सेस एंड कैमरा एक्सेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक एक्सेस कैमरा एक्सेस, यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अगर मैं कैमरा या माइक किसी को भी बंद करता हूँ तो लगभग क्या 100% सारे ऐप के लिए कैमरा और माइक डिसेबल हो जाएगा, कोई भी ऐप इसे यूज़ नहीं कर पाएगा। इसकी आपकी डाटा प्राइवेसी के लिए एंड्रॉयड 12 में दिया गया है। और एंड्रॉयड इसके बाद हम देखते हैं इस अपडेट को, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये तो बिल्कुल तय है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल नया मोबाइल चला रहे हो, क्योंकि इसमें Realme UI जो है वो भी अपग्रेड हो गया है, 2.0 से 3.0 चला गया है। और Realme C25S में Android 11 पे आया था ये मोबाइल, जो कि अपडेट आने के बाद Android 11 से Android 12 हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको वैसे ये वर्ज़न आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसे यूज़ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं है इसमें, स्टेबल नहीं है ये वर्ज़न, बाकी बग इसमें बिल्कुल नहीं मिला मुझे, स्टेबल नहीं है। तो चाहे तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ये इंस्टॉल करने के बाद, तो आप इससे वापस रिवर्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब जो अपडेट जो इससे प्रीवियस जो स्टेबल वर्ज़न था उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप सर्च करके उससे आप अपने मेमोरी कार्ड में रखेंगे। और क्योंकि मैंने डेवलपर मोड ऑन कर दिया है, इसलिए मुझे डायरेक्ट शो हो जाएगा कि किस तरीके से मुझे रिवर्ट करना है OS को। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैं जाके अबाउट डिवाइस में गया, अबाउट डिवाइस में जाके आपको वर्ज़न पे टैप करना है, वर्ज़न के बाद बिल्ड नंबर पे टैप करना है। बिल्ड नंबर में आप टैप करोगे तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी मैंने ऑन कर दिया था जिसके कारण मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब इसके अलावा आपको जो पैकेज मैं दूंगा आपको रिवर्ट करने के लिए, आप उसे डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन के फ़ोन मेमोरी में, उसे आप SD कार्ड में नहीं रखेंगे, उसे आप फ़ोन मेमोरी में इंस्टॉल करेंगे। और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं शुरू से दिखा देता हूँ कि आपको कैसे रिवर्ट करना है। यहाँ पे मैं गया सेटिंग में, गया सेटिंग ओपन, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट डिवाइस, अबाउट डिवाइस के बाद हम देखते हैं अप टू डेट रियलमी UI 3.0 और ट्रायल ये सेक्शन में आपको यहाँ टैप करना है। जैसे अभी आप टैप करके देख रहे हो कि अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वैसे मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको 3 डॉट में जाके यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, आपको मैं बता देता हूँ, ऑटो अपडेट और ट्रायल वर्ज़न। ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है लोकल इंस्टॉल, ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपका डेवलपर मोड ऑफ़ है
तो ये लोकल इंस्टॉल आपको दिखाई नहीं देगा। और इस लोकल इंस्टॉल पे आपको टैप करना है, और यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, ये हो गई फ़ोन मेमोरी। फ़ोन मेमोरी में आपको वो ज़िप फाइल, आपको ज़िप फाइल फ़ोन मेमोरी में कहीं पर सेव कर लेना है, और याद रहे कि वो किसी फोल्डर के अंदर ना हो, सीधे मेमोरी कार्ड पे हो। उसके बाद आप उसे सेलेक्ट करके आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो रिवर्ट में चला जाएगा, मतलब एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 11 में चला जाएगा, प्रीवियस स्टेबल वर्ज़न में चला जाएगा, क्योंकि ये फ़िलहाल स्टेबल वर्ज़न नहीं है, और इसमें स्टेबल नहीं है ये वर्ज़न, मतलब चलाने में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो परफॉर्मेंस तुरंत परफॉर्म नहीं करती, लेकिन इसे आप रिवर्ट कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए तो। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आएगा, इस अपडेट में काफ़ी बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ किसी ऐप का, ठीक है, ये रियलमी का बाय डिफ़ॉल्ट साउंड सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसा करके मैंने किया। आप देख रहे होंगे कि आप इसमें तीन ऑप्शन आ रहा है, स्क्वायर, सर्कल, और ये एक नया फीचर ऐड हुआ है इसमें ड्रॉ। ड्रॉ में ये एक ऐसा है कि आप इसे ड्रॉ में टैप किया मैंने, अब ये आपको बता रहा है कि आपको स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेना है, आप अपने इच्छा के अनुसार आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट में आपको बिल्कुल सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आपने ड्रॉ किया है, और वो सेव हो जाएगा। और इसके अलावा कोई फीचर, हम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर। इसमें एसेसिबिलिटी को कैटेगराइज़ कर दिया गया है, जिसके कारण आप जनरल, विज़न, हियरिंग, इंट्रैक्शन, अलग अलग तरीके से आप एसेसिबिलिटी को आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक है, हम देख लेते हैं और कुछ। नॉर्मली जैसे आप कुछ भी अपडेट इंस्टॉल करते हो तो ये गेट रिकमेंडेशन है उसे ऑफ ही रखिए, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये मतलब कई जगह आपको एडवर्टाइजिंग आते रहेगा जगह जगह पर। जैसे मान लीजिए ये हो गया जो मोबाइल की तरफ से आता है, रियलमी की तरफ से फ़ोन मैनेजर, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी बड़ा सा एक बैनर खुल जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। और इसमें कुछ चीज़ों को कैटेगरी में बांट दिया गया है, ऐप क्लोनर डायग्नोस, ओके और देख लेते हैं इसमें कुछ और फीचर। इसमें रियलमी लैब में डुअल मोड ऑडियो। ओके, तो आज के लिए ये छोटा सा एक वीडियो था, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपने अपडेट किया है और बाय चांस आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उससे वापस कैसे जा सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, धन्यवाद।